तो अपने लास्ट ट्यूटोरियल हमने देखा था कलर करेक्शन नोट को, उसके बाद कुछ नोट्स और हैं कलर करेक्शन के ऊपर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज हम कलर करेक्शन का लास्ट ट्यूटोरियल करेंगे, उसके बाद मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, आप घर पे देख सकते हैं। तो पहले है सैचुरेशन नोट। सैचुरेशन नोट कैसे वर्क करता है एक बार देख लेते हैं। तो ये सैचुरेशन नोट है, यहाँ पर आपको पर्टिकुलर चैनल्स मिल जाते हैं, उसके बाद सैचुरेशन को ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। देखिए मैं इसे डाउन करूंगा तो ये हमारे पूरी नोट को ब्लैक एंड व्हाइट करने के काम आ रहा है और पूरा डिसैचुरेट करके दे दिया। वहीं पे अगर इसे अप करते हैं ये कलर्स को ब्राइट कर देता है, सैचुरेशन लेवल को बढ़ा देता है। उसके बाद कुछ ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे मिल जाता है एवरेज CCR एंड एवरेज मैक्सिमम। तो ये तीनों थोड़े से डिफरेंस है इनमें, अगर आप देख पाएंगे इनके अलग अलग जो थोड़े से इफेक्ट अलग देते हैं। अगर बेस्ट ऑप्शन आप पूछे तो कौन सा है, दो बहुत बेस्ट हैं, रेक 7019 एंड एवरेज, ये दो अच्छे ऑप्शन हैं, यहाँ पे आप कर सकते हैं इसको करते हुए। और एक चीज़ और कर सकते हैं आप, यहाँ पे आपको मैं नॉर्मल कर देता हूँ, डिसेचुरेट कर देता हूँ पूरे फुटेज को, और यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, सैचुरेशन का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे इसके साथ मास्क मिल जाता है, तो हम पर्टिकुलर एरिया को मास्क करके उसके ऊपर ही कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मास्क यहाँ पर ले लेता हूँ, अभी मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर लूँगा इसके, यहाँ से एक रोटो ड्रॉ करूँगा नॉर्मल सा। तो मैं क्या करता हूँ, जो रोटो ड्रॉ करने वाला पार्ट है इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड में दिखाऊंगा, तो रोटो ड्रॉ करने बांध देते हैं। फिर रोटो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, आप देख रहे होंगे यहाँ कुछ उल्टा इफेक्ट पड़ रहा है, ये डिसेचुरेट हुआ है मतलब ये ब्लैक एंड व्हाइट हुआ है, बाकी नहीं। तो यहाँ आप जाके कर देना है इन्वर्ट, इन्वर्ट करते ही कुछ ऐसा आपको मिल जाए, थोड़ा सा इसमें ब्लर ऐड कर देता हूँ मैं, ये ब्लर ऐड कर दिया है मैंने थोड़ा सा, अभी आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा कुछ और इसमें करेंगे तो मैं ले लेता हूँ एक पेंट नोट और थोड़ा सा ब्रश का यूज करेंगे और थोड़ा सा बेटर कर देंगे इसको। ऑपसिटी थोड़ी इसमें कर देता हूँ डाउन, इसकी ऑपसिटी इतनी रख लेते हैं। ओके चलिए, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं मैं करके दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि मैं चाहता हूँ इसके लिप्स को थोड़ा सा चमका दिया जाए। जेंटली करना है, धीरे से, नीचे की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ हमने ये कर दिया है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप और इसमें ऐड ऑन करते रहते हैं। तो थोड़ा सा मैं ये कर देता हूँ, लुक और अच्छा आ जाएगा इसका। ओके यहाँ पे कर दिया, थोड़ा सा इसको और ले लेंगे यहाँ से, तो कुछ ऐसा इफेक्ट मिल गया हमें यहाँ पे। इनको भी आप सब अलग से स्टेंसिल करके चेंज कर सकते हैं जैसे मैंने किया है, तो एक बार फुल स्क्रीन कर देता हूँ। तो ऐसा कुछ इफेक्ट आप थोड़ी देर में पा सकते हैं ह्यू सच अपने इस नोट से, सैचुरेशन नोट से, यहाँ पे सैचुरेशन नोट का यूज करते हुए थोड़ा सा कुछ ऐसा इफेक्ट आप पा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सैचुरेशन नोट। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट नोट बताता हूँ, हमारे पास है ह्यू करेक्ट नोट। यहाँ पे हमें एक ग्राफ मिल जाता है और यहाँ चैनल्स में सैचुरेशन, लूमा, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड आर, तो ये कुछ नोट्स मिल जाते हैं। अभी हम देख लेंगे इनका यूजेस कैसे क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो मैं क्या करूँगा, ये रेड कलर रेड के ऊपर कुछ करके आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ से आप सप्रेस कर रही है पर्टिकुलर रेड को, रेड यहाँ पर चैनल रहेगा, ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा, जहाँ पर जाऊँगा देखिए, ये आपको यहाँ पर जो ग्राफ मिलता है ये इसके अकॉर्डिंग मूव होगा। अभी मैं सेलेक्ट करता हूँ, इस रेड कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके रेड कलर को सिलेक्ट किया, पर्टिकुलर ये पॉइंट है तो इसको मैं डाउन कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे नीचे की तरफ डाउन करके ले आ सकता हूँ।
तो आप देख पा रहे होंगे इसके साथ में वन और टू कर लेते हैं, ये इसका पूरा कलर तो चेंज हुआ है, साथ में इनके भी कलर चले गए हैं। तो मैं एक काम करूँगा, क्योंकि ये पूरा डाउन हुआ है, थोड़ा सा इसको मैं ऐसे ऐसा लेके आ जाता हूँ, और थोड़ा सा इसको यहाँ से लेके आ जाते हैं, और थोड़ा सा ये मेंटेन करेगा अपने आप को। यहाँ से ऐसा कुछ आप कर सकते हैं, और थोड़ी सी चीज़ें थोड़ा इसे अप भी कर सकता हूँ मैं, ऐसा थोड़ा सा डाउन कर लेके तो ऐसा कुछ कर सकते हैं HueCorrect की मदद से। अभी हमने रेड को किया है, यहाँ पे आप जाके दूसरे कलर्स को भी जाके छेड़ सकते हैं। अभी इसमें मोस्टली रेड कलर था, तो इसलिए मैं रेड कलर को मैंने करके बताया यहाँ पे मेरे पास। तो हमारे पास ये सेकेंड इमेज है जिसमें HueCorrect का यूज़ करते हुए मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें ये जो ब्लू कलर है इसको कैसे कुछ चेंज कर सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाके सेलेक्ट करता हूँ आपको, ऐसा ऐसे सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे हमें पहले सेलेक्ट कर लेना है ब्लू में, ब्लू सप्रेस करना है। तो ऐसा कुछ आ गया, तो मैं यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो हमें यहाँ पॉइंट्स मिल जाता है, पॉइंट्स ऐसे आप ऑल्ट और कंट्रोल के साथ पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं, और धीरे से ऐसा कुछ डाउन कर सकते हैं। ओके सॉरी, ये वर्क नहीं कर रहा, मैं फिर से एक HueCorrect नोट ले लेता हूँ। आई थिंक कुछ बग है इस नोट पे, आई थिंक। ओके, यहाँ से नोट ले लिया, मैं अभी ब्लू कलर पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसा कि आप बताएं, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं। अभी एक पॉइंट्स मैं यहाँ ऐड करता हूँ, अभी इसको देखेंगे, मैं डाउन करूँगा। देखिए, पूरे पूरे कलर को आप ऐसे चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा, इन चीज़ों को भी मैं थोड़ा सा नीचे डाउन की तरफ ले लूँगा, ऐसा। अब देखिए इमेज के साथ हुआ क्या है हमारे, वन करता हूँ और मैं टू करता हूँ, जो भी आपको ये कलर लगा ऑलमोस्ट ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया है। देखिए यहाँ पूरा यहाँ का भी ब्लू कलर चेंज हो रहा है। तो ये मोस्टली क्रोमा जब करते हैं तो उसकी एजेस को निकालने का काम आता है। तो ये हो गया हमारा HueCorrect नोड, आसान और आसानी से बहुत काम कर सकते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट ये है, आप पर्टिकुलर अलग अलग ऑप्शंस में जाके चेक कर सकते हैं यहाँ पे कहाँ पे कैसा असर करेगा। अगर ग्रीन के साथ करना है ग्रीन में जा कर सकते हैं, ब्लू के साथ करना है ब्लू में कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग चैनल्स भी दिए हैं, वहाँ जा कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट मैं आ जाता हूँ, ये दूसरा मेरे पास एक है ऑप्शन, यहाँ नोट है हमारे पास कलर लुकअप का। तो कलर लुकअप थोड़ा सा इन सबसे डिफरेंट है। यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर रेड ग्रीन ब्लू एंड अल्फ़ा के कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, साथ में देखेंगे कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा, रेड ग्रीन ऐसा कुछ होता है। मास्टर्स यहाँ पे है, ग्रीन यहाँ पे है, और ब्लू यहाँ पे आपको दिख रहा है, जैसा कि आप देख पाएंगे। तो ये कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं हमारे पास, देख सकते हैं हम इन्हें। तो थोड़ा सा हम करके मैं दिखाता हूँ आपको कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ से शुरू करूँगा, ब्लू में जाऊँगा। ब्लू की एक ये देखिए एक लाइन मिल जाती है यहाँ पे। तो ऑल्ट के साथ, इसमें ऑल्ट और कंट्रोल के साथ हम कोई भी पॉइंट्स सेलेक्ट कर सकते हैं इसका, ऐसा कुछ पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा डाउन करता हूँ इसको, ऐसा कुछ। यहाँ सेम मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, थोड़ा सा इसे टॉप ऐसा कर सकता हूँ चाहिए तो थोड़ा सा इसको और मैं डाउन करता हूँ, ऐसा कुछ। अभी ये भी करके दिखाते हैं, कुछ ऐसा हो गया। अभी मैं ग्रीन चैनल में जाता हूँ, ग्रीन चैनल में थोड़ा क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं लूँगा कलर को अप करूँगा हल्का सा, उसके बाद रेड चैनल है, रेड में क्या करेंगे, एक सेलेक्ट कर लीजिए पहले इसको, यहाँ से आप ऊपर की तरफ ले सकते हैं थोड़ा सा चाहे तो ये मैं यहाँ नहीं करूँगा, थोड़ा समय से ऐसा कुछ करने वाला हूँ। ओके, ये हमने कर लिया है। अभी मैं वापस इस चैनल में जाता हूँ। सबसे बेस्ट तरीका क्या है इसमें, ऐसा एक बॉक्स मिल जाता है दो पॉइंट्स को, तो ये बॉक्स को भी हम एक साथ छेड़ सकते हैं ऐसा कम ज़्यादा करने के लिए, थोड़ा सा ऐसा कुछ कर देंगे। देख क्या हो गया, अभी इसमें पूरी इमेज पे इफेक्ट कर रहा है ऐसा।
तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जिनसे रेड ग्रीन और अल्फा में जाके इनको चेंज कर सकते हैं, और यहाँ मास्टर का ऑप्शन है तो ये ओवरऑल फुटेज पे हमारा काम करता है जैसा आप देख पा रहे होंगे। तो इसको भी एक पॉइंट सेट करके थोड़ा पॉप अप कर सकते हैं ऐसा, और डाउन करके भी देख सकते हैं कैसे क्या रहेगा। ओके, ये हो गया हमारा कलर लुकअप नोड। तो ये कुछ कलर ग्रेडिंग के लिए नोट्स थे हमारे पास, सेचुरेशन, ह्यू करेक्ट एंड कलर लुकअप, और ग्रेड और कलर करेक्शन को मैंने पहले बता के रखा है। यहाँ पे और भी सारे नोट्स हैं लेकिन मैं उनको करके नहीं दिखाने वाला हूँ, आप घर पे ओपन करके देख सकते हैं। आई थिंक इतना कलर ग्रेडिंग के लिए सफिशियंट है, थोड़ा घर पे प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। तो आज कलर ग्रेडिंग की इस क्लास में बस इतना ही था, मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए बाय, सी यू।